press the bell icon on the YouTube app and never. ये अपने रवैये को तब्दील नहीं करना चाहते हैं या कुछ और भी कहानी है इसके पीछे? मुजफ्फर भाई, आप कई साल से एक बहुत खूबसूरत चैनल चला रहे हैं और हमेशा अवेयरनेस की बात करते हैं, हमेशा अपने पाकिस्तान को वो आईना दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे अगर चार युवा भी आईना देख करके सुधर जाए तो शायद चार युवा आठ को सुधार सकता है, यही कोशिश में लगे रहते हैं ना। कई बार पूछा भी गया है कि आप क्या इस्लाम छोड़ने वाली, मैंने किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मुझे इस्लाम छोड़वा दे, कोई अभी अभी पैदा ही नहीं हुआ है उस माँ के कोक से जो मुझे इस्लाम छोड़वा दे, किसी के पास अल्लाह की चिट्ठी आई है क्या मुझे दिखाए? मैंने इस बात को कई बार रखा है अपने सबके सामने। हाँ, लेकिन मैं नौटंकी नहीं कर सकती हूँ, मैं जबरदस्ती का हिजाब पहनूं, मैं जबरदस्ती का लोगों के सामने नमाज पढ़ूं जैसे असदुद्दीन अवैसी फ्लाइट में। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज़ भारत पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे कि भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी को जान से मारने की धमकियां और बलात्कार की धमकियां लगातार आ रही हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे इस बारे में खुद नाजिया खान जी का क्या कहना है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान मेरा रेप करते हैं तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मुसलमान बेटी का भी मुसलमान मर्दों ने रेप कर दिया। अगर मेरा मर्डर करते हैं तो भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा एक मुसलमान बेटी का भी मर्डर मुसलमान मर्दों ने कर डाला। कसूर कसूर क्या है आपका? कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैं सच बोलती हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान मर्दों को आईना दिखाती हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान मर्दों को कहती हूँ कि 6 साल की बच्ची में औरत मत ढूंढो। मेरा कसूर ये है कि मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह के मुसलमान बनो, मुल्ला के मुसलमान मत बनो। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि तुम शिक्षित हो जाओ। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि हाथ में पत्थर ना लो, कलम ले लो। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को ये कहती हूँ कि शिक्षा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान बेटियों को कहती हूँ कि लफ्ज इकरा को फॉलो करो, हिजाब को नहीं। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि बलात्कार इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। इसमें तो कोई एक काम भी गलत नहीं है, सारे के सारे काम आप बहुत अच्छे बता रही। तो इनको बुरा क्यों लग रहा है? ये इस चीज से गुस्सा क्यों होते हैं? ये अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? ये क्यों आपके खिलाफ फिर ये सारा कुछ इकट्ठे हो रहे हैं? ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते, ये अपनी रवैये को तब्दील नहीं करना चाहते या कुछ और भी कहानी है इसके पीछे? मुजफ्फर भाई, आप कई साल से एक बहुत खूबसूरत चैनल चला रहे हैं और हमेशा अवेयरनेस की बात करते हैं, हमेशा अपने पाकिस्तान को वो आईना दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे अगर चार युवा भी आईना देख करके सुधर जाए तो शायद चार युवा आठ को सुधार सकता है, यही कोशिश में लगे रहते हैं ना। कई बार पूछा भी गया है कि आप क्या इस्लाम छोड़ने वाली, मैंने किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मुझे इस्लाम छोड़वा दे, कोई अभी अभी पैदा ही नहीं हुआ है उस माँ के कोख से जो मुझे इस्लाम छोड़वा दे, किसी के पास अल्लाह की चिट्ठी आई है क्या मुझे दिखाए? मैंने इस बात को कई बार रखा है अपने सबके सामने। हाँ, लेकिन मैं नौटंकी नहीं कर सकती हूँ, मैं जबरदस्ती का हिजाब पहनूं, मैं जबरदस्ती का लोगों के सामने नमाज पढ़ूं जैसे असदुद्दीन अवैसी फ्लाइट में नमाज पढ़ता है और उसके बाद फिर वीडियो करवा करके सबको वायरल करवाता है कि वो फ्लाइट में नमाज पढ़ रहा था। तो ये सब नौटंकीबाजी मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा। मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि भाई मजार अपने से हथौड़ा लेकर के तोड़ दो क्योंकि कुरान उसको गुनाह कहता है। एक्चुअली में ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है राहुल गांधी की, और देखिए उनकी हिम्मत नहीं हुई, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उत्तर प्रदेश में जाती हूँ वहां FIR करवाए या वहां प्रदर्शन करवाए। राहुल गांधी के पिछाड़ में ताकत ही नहीं है कि वो दिल्ली में मेरे खिलाफ प्रदर्शन करवाए, वो महाराष्ट्र में मेरे खिलाफ प्रदर्शन करवाए, वो बिहार में मेरे खिलाफ प्रदर्शन करवाए, वो और अलग अलग राज्यों में मेरे खिलाफ प्रदर्शन कराए। क्योंकि तेलंगाना और केरला में राहुल गांधी जी का बहुत पकड़ है, उनकी वहां सरकार है, इसीलिए वो वहां पर प्रदर्शन मेरे खिलाफ करवा रहे हैं। क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ चुकी है
कि नाजिया इलाही खान उनसे डायरेक्ट आंख में आंख डाल करके उंगली उठा करके पूछ रही है कि राहुल जी जरा बताइए ना कि इस्लाम में अभय मुद्रा है कहां पर, क्योंकि जो मौलाना उससे पैसा ले रहा है वो तो उसकी गलती पकड़ नहीं रहा है, नहीं पकड़ रहा, वो बोल ही नहीं रहा जाता है। और मौलाना मौलाना क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 501 रुपया दो, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद 501 रुपया दो, अशहदु अल्ला इलाहा 501 रुपया दो, मौलाना क्या है, वो तो 501 रुपए के लिए आयत बिक्री करता है। मैं और आप तो कुरान की आयतें 501 रुपए के लिए बिक्री नहीं करते हैं, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। हम या आप किसी नेता के पीछे घूमते हुए तो नजर नहीं आए हैं, लेकिन यही मौलवी मुल्ला टोपी टोपी पहन करके नेता के पीछे पीछे घूमता हुआ नजर आता है। तो ये एक्चुअली में ये जो अभी सुन्नत जमात तो फलाना जमात तो धमाका जमात तो चिलगोदा जमात, ये जो जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं या तो तेलंगाना में हो रहे हैं और या तो केरला में हो रहे हैं। और ये आपकी सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है, आपके साथ कुछ बॉडीगार्ड या कुछ गनमैन वगैरह होते हैं, कोई हमला ना हो जाए आपके ऊपर? मैं यहाँ पर परेशान हूँ, मुझे जो लोग हैं मुझे कॉल करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, वो पूछते हैं कि उनकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम आते हैं, वो जिस तरीके से बोलती हैं कि कोई हमला ना हो जाए आपके ऊपर, अटैक ना कर दे, तो लोग परेशान हैं आपकी सिक्योरिटी को लेके। नहीं मुजफ्फर भाई, मैं मायूसी से नहीं बता रही हूँ मैं, और अभी वो मुसलमान पैदा नहीं हुआ है जो मुझे मायूस कर दे, वो मुसलमान अभी किसी माँ के कोख से पैदा नहीं। सिक्योरिटी मेरी बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने, जनाब राहुल गांधी जी ने मुफ्ती सुलेमान को, उसके चुलगोदों को और बहुत सारी ऐसी जमात है मुसलमान की जो उनके पॉकेट में रहती है और जिहादी जमात है, सब आतंकी जमात है और सबका ईरान के टेररिस्ट वगैरह, पाकिस्तान के टेररिस्ट वगैरह से कनेक्शन है, ऐसे लोगों को राहुल गांधी जी ने मेरे पीछे लगवाया है। और हो सकता है कि मेरा मर्डर हो जाए, हो सकता है कि मेरा गैस हो जाए, हो सकता है कि मेरे हाथ पैर काट दिए जाए मुझे, मुझे मेरी जुबान को बंद करने के लिए, लेकिन मुझे इस देश के 82.7% सनातनियों पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। और भगवान का आशीर्वाद, मेरी माँ की जितनी भी दुआएं हैं और अल्लाह तबारक ताला का साथ मेरे साथ हमेशा रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो कभी मुझसे दूर नहीं होने वाला है। देखिए हम, मैंने बचपन से अपनी माँ से के मुंह से एक बात सुनी है कि शैतान हैरान करता है, हलकान करता है, वो आपका बुरा नहीं कर सकता है। तो राहुल गांधी जी ने जिस हिसाब से मेरे पीछे जिहादियों को लगाया है वो मुझे हैरान कर सकते हैं लेकिन मुझे बर्बाद भी नहीं कर सकते, और वो मुझे किसी ऐसी पोजिशन पर भी नहीं पहुंचा सकते जिससे मेरी जाए, और अगर हो गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतिहास का पन्ना मुझे याद रखेगा कि मैंने हमेशा सत्य पर बात किया। तो बांग्लादेश अगर खालिदा जिया के बेटे के साथ मिलकर के कोई टेररिज्म साजिश, अगर राहुल गांधी जी का नाम आ रहा है तो मैं मतलब जिंदा एग्जाम्पल हूँ, बिल्कुल होंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि मुझे मर्डर करवाने के लिए राहुल गांधी जी बहुत एक्टिव हो चुके हैं अब। तो जाहिर सी बात है कि जब वो अपने देश के एक मुसलमान बेटी का मर्डर करवाने के लिए एक्टिव हो सकते हैं और जिहादियों को पीछे लगा सकते हैं, तो अपने पॉलिटिकल मुफाद के लिए, वो अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए वो क्यों नहीं खालिदा जिया के बेटे के साथ मिल सकते हैं? और सोनिया एंटोनियो के तो कई फोटोज हैं जिसमें वो चाइना के लोगों के साथ वाइन का ग्लास खड़काते हुए नजर आई है, ये तो बहुत साफ सुथरी बात है। बहरहाल सेफ रहें, हम तो आपके लिए यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर मैं दुआ ही कर सकता हूँ। बहुत सारे हजारों लोग हैं, आप यकीन माने आपकी जो वीडियोस होती हैं उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़ा करें कभी, मेरा ख्याल आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कमेंट्स पढ़ें, मैं पढ़ता हूँ कमेंट, लोग इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे, इतना प्यार करते हैं आपकी, एक बात के बदले में वो अपनी जान देने को तैयार हैं, इस तरह के लोग हैं कि जो इतना आपसे प्यार करते हैं। तो अपना आप ख्याल रखें, इतनी बहादुरी भी मैं समझता हूं कि ये भी अकलमंदी की बात नहीं कि आप जितनी दलेर और बहादुर हैं थोड़ा सा फिर भी अपना अपनी जान का ख्याल करें, आपके आपकी फैमिली भी है। नहीं मुजफ्फर,
मेरी मेरी मैंने तो जो रिक्वेस्ट मुहिम है। छेड़ी है मुजफ्फर भाई, मैंने जो मुहिम छेड़ी है वो मैं उस वक्त तक जारी रखूंगी जब तक मेरी सांस चल रही है। मेरा मुंह नहीं बंद होने वाला है, मेरी मेरी जो लीगल एक्टिविटीज है वो नहीं बंद होने वाली है। और अभी तो मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाले हैं जो राहुल गांधी जी ने जिन जिहादियों को मेरे पीछे लगाया है, अभी बहुत सारे लीगल प्रोसेस है जो डायरेक्ट राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर के। बहरहाल मैं आपके लिए फिर दुआ गो हूँ और हमारे जितने भी देखने वाले वो भी आपके लिए दुआ गो हैं कि आप हमेशा जो है वो हिफाजत के अंदर रहें, आपके ऊपर कभी कोई जो आँच ना आए और आपके जो दुश्मन हैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो नाकाम हो। तो आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और मैं चाहता हूं कि मैं एक वीडियो आपके ये सारे जो मसाइल आपके पर्सनल जो आपको ये सारी धमकियां मिल रही हैं या सारा हो रहा है इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आगे मैं बनाऊं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया इतनी मसरूफियत के बावजूद। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय जगन्नाथ, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी को लगातार जो धमकियां मिल रही हैं उसके पीछे जो साजिश है उसका जो इल्जाम है नाजिया खान जी ने राहुल गांधी पे लगाया और ये भी कहा कि अगर नाजिया खान जी किसी मुसीबत में फंसती है तो 80% हिंदू उनका साथ देंगे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और मेरी पर्सनल राय ये है कि हम नाजिया खान जी को सपोर्ट करेंगे और जो उनके खिलाफ बॉयकॉट की मुहिम चल रही है उसको हम खारिज करते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।